हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी अरीना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं चार पोर्शंस में ख़त्म कर चुका हूँ। जितने भी रूल्स थे, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस आ सकते थे, वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। तो अब बारी है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, ठीक है। इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड किए हैं और बाकी जो भी रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। 30 इसमें सेंटेंस होंगे, आपको एरर्स ढूंढनी है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ वो चारों देख रखे हैं तो आप इजली कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स आर वेरी बैड। तो मैं जो भी एक सेंटेंस के रिलेटेड जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उसके साथ में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनना। अगर आपने ये 30 के तीखे देख ली तो आप, मैं आसानी से कह सकता हूँ कि आप बड़ी इजीली वहाँ पर कर लोगे किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अगर क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पर, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स आर वेरी बैड। एक चीज़ मैंने बताई थी कि हमको मेन रूप से अपने सब्जेक्ट को देखना होता है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द कंडीशन, यानी कि हम अगर हिंदी में इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो जो जो झुग्गड़ जो झोपड़ी होती है उसमें रहने वाले लोगों की कंडीशन, तो कंडीशन हमें मेन रूप से देखना है। हमको और सेंटेंस के हिस्से से फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ़ पीपल आपने देख लिया तो आप सोचोगे कि ऑफ़ पीपल तो प्लूरल होता है, तो वो सब हमें नहीं देखना है। मेनली यहाँ पर बात चल रही कंडीशन की, और कंडीशन होता है सिंगुलर। तो सेंटेंस में इरर आपको कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है आर में, क्योंकि आर की जगह यहाँ पर होगा इज़, क्योंकि कंडीशन हमारा है सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा इज़। यानी कि सेंटेंस जो करेक्शन है वो हो जाएगा, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स इज वेरी बैड। तो आसपास अगर आप प्लूरल देखते हो कि यहाँ पे अपने स्लम्स देख लिया, यहाँ पे अपने पीपल देख लिया, तो अगर आपके दिमाग में आता है कि इसमें नो एरर है तो ये गलत है, क्योंकि मेनली हमें द कंडीशन पर ध्यान देना है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव प्लेड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पर म्यूजिशियंस तो बिल्कुल हैं, पर म्यूजिशियंस का एक बैंड है, ठीक है, एक बैंड है। अब जब वो एक बैंड है तो एक इंडिविजुअल हो जाता है, क्योंकि ग्रुपिंग में मैंने कुछ एक रूल बताया था जिसमें मैं, अगर आप जैसे कि कोई कमेटी होती है वो ग्रुप में काम करती है, ठीक है, तो वैसे रिलेटेड ये है। अब यहाँ पर एक बैंड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वो सिंगुलर हो जाता है। तो आपको वर्ब का यहाँ पर जो हैव लगा हुआ तो क्या गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक बैंड ऑफ म्यूजिशियन की बात हो रही है, तो यहाँ पर लग जाएगा हैज़। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इरर, यहाँ पर हो जाएगा हैज़। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज़ प्लेड ए ग्रेट परफॉर्मेंस। आगे बात करते हैं द नंबर ऑफ। अब देखो, अगर जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर लर्न नहीं करना है, सेंटेंस को लर्न करो और स्ट्रक्चर खुद याद हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको देखता हूं, मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं सबसे पहले ध्यान देता हूं द नंबर ऑफ पर्संस है। अब इससे रिलेटेड मैंने एक रूल पढ़ रखा है कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ करके शुरू होता है तो वो हमेशा सिंगुलर लेता है। पढ़ा था ना कि द नंबर ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसा कोई अगर सेंटेंस है तो वो हमेशा सिंगुलर लेता है। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब, मुझे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन लिखा हुआ था और यहाँ पे आर लगा हुआ था, तो मैं समझ गया ये तो मिस्टेक है, क्योंकि द नंबर ऑफ जैसा सेंटेंस होता है तो हमेशा सिंगुलर लेता है। तो आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, आर की जगह हो जाएगा इज। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। जनरली स्पीकिंग में हम लोग वॉस का ही यूज़ कर लेते हैं, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। जब भी कोई चीज़ हम लोग ऐसे, जो कि हम सोचते हैं, ठीक है, मतलब विश करते हैं, ऐसा कुछ होता है कि, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब का यूज़ किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट कि वहाँ पर आई है या ही है या दे है, सबके साथ में हमें वर ही लगाना है। रूल पढ़ा चुका हूँ, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो मेरा बॉस हो। अब यहाँ पर वो मेरा बॉस है नहीं, ठीक है ना, पर एक कंडीशन बात हो रही, कंडीशनल हो जाता है, तो वहाँ पर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ही बिहेव्स एज इफ़ ही वॉज माई बॉस, तो यानी बॉस की जो है यहाँ पर वॉज जो है यहाँ पर ही गलत है, यहाँ पर हो जाएगा वर। कंडीशनल सेंटेंसेज में हमेशा आपको वर लगाना है। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट, इफ़ आई वर क्रिकेट प्लेयर, तो ऐसे जब, अगर मैं क्रिकेट प्लेयर होता, अगर मैं ये होता, ठीक है, और इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जैसे लगता है कि वो मेरा बॉस है जबकि वो है नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट वॉज नॉट नोन टू ऑल। जो इंसिडेंट की जो डिटेल थी वो सबको नहीं पता थी। अब हमको मेन रूप से क्या देखना, हमको ये सबसे मतलब नहीं है, मेन हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारे पास है द डिटेल्स, और डिटेल्स क्या होगी, प्लूरल होंगी, तो अगर डिटेल्स प्लूरल हैं तो यहाँ पर वॉस कैसे लग सकता है, तो यहाँ पे लग जाएगा वर। तो देख रहे हो कि जो भी रूल्स पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस इरर्स हमारी होती चली जा रही हैं। आगे देखते हैं। द बैंकर्स एसोसिएशन हैज़ सबमिटेड मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। अब सेंटेंस को हमको बारीकी से पकड़ना होता है, एक एक स्टेप में। वहाँ पर जब ऑप्शन आएंगे तो 1 2 3 4 करके लिख करके आएगा किसमें इरर है, तो आप पहले फर्स्ट को देखोगे फिर सेकेंड को देखोगे, लेकिन उसको करने से पहले आपको रूल देखना है कि क्या
या मैंने जो रूल्स पढ़ रखे थे उसमें से तो ये नहीं पूछा गया है। तो हमने देखा कि द बैंकर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। इतना बड़ा सेंटेंस है, हम इसको तोड़ के देखेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंकर्स के एसोसिएशन की, ठीक है, यानी कि ये रूल मैंने पढ़ रखा है, ये एक एसोसिएशन है, एक ग्रुपिंग की बात कर रही है। तो ग्रुप, जब किसी चीज़ का ग्रुप बनता है तो वो एक इंडिविजुअल ट्रीट किया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स, तो हम देयर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएशन है, यहाँ पर हो जाएगा इट्स। बाकी सब सही, बैंकर्स एसोसिएशन यहाँ वाला देखो हैज़ है, ये सही है, बैंकर्स का एसोसिएशन ये है सही है क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे देयर लगा के उन्होंने गलत कर दिया है क्योंकि देयर नहीं लग सकता, एसोसिएशन है इसलिए इट्स लगेगा। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर हेयर्स आर सिल्की, इजी सा है कि हेयर को कभी हेयर्स नहीं बोलते हैं, जनरली हम लोग स्पीकिंग में इसको बोलते हैं, पर ये पूरी तरीके से गलत है। हेयर कभी प्लूरल नहीं हो सकता, तो हमको यहाँ पर हेयर ही लगाना, हर हेयर इज सिल्की, ठीक है, चाहे हम पूरे बालों की बात कर रहे हो तभी भी। लेकिन हमने बताया था कि अगर उसके साथ में काउंटिंग भी हो कि 5 हेयर्स ऑफ हर, तो आर लगेगा। अगर काउंटिंग भी बताते हैं कि 5 बालों की बात हो रही है, 6 बालों की बात हो रही है, तो वो लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जनरली अगर हम बालों की बात करते हैं तो यहाँ पर हेयर्स का एस नहीं होगा और यहाँ पर आर भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरी वन। अब देखो, दीज बुक्स है तो देखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन हम बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट द मेरिट है, यानी कि हम लोग बुक्स की मेरिट की बात कर रहे हैं। और जब बुक्स की मेरिट की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर कैसे आ जाएगा, यहां पर तो इज लगेगा ना, कि जो बुक्स की मेरिट थी वो सब लोगों से परिचित थी, सब लोग उसको जानते थे कि इस बुक्स की मेरिट क्या है। तो द मेरिट ऑफ दिस बुक्स इज नोन टू एवरीवन, ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं मोर देन वन मैन। जैसे ही मैंने देखा, मुझे स्ट्रक्चर याद आ गया कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, मोर देन वन वाला, जिसमें दो रूल्स थे। एक मैंने बताया था कि मोर देन वन मैन ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है सीधा सीधा, और एक होता था मोर और फिर नाउन लग जाता था जो कि प्लूरल होता था, देन वन। तो अगर देखोगे अभी नीचे वाला मैंने उसी से रिलेटेड दे रखा है, लेकिन मोर देन वन मैन है तो आप सीधे देख लिया कि मोर देन वन मैन स्ट्रक्चर है, तो वाज लगना चाहिए क्योंकि ये तो सिंपल सा सिंगुलर ही लेता है। लेकिन जो इसी का एक और था मोर से शुरू होने वाला, जिसमें मैंने बताया था कि मोर देन वन तो है, अब देखो यहाँ पे मोर है देन वन तो है, लेकिन बीच में नाउन आ गया है और ये नाउन प्लूरल है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो कि मोर नाउन देन वन, तो हमेशा लगता था प्लूरल, यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा रखी जो कि गलत है, हैव लगेगी। तो आई होप इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि आप मोर से स्टार्ट करने वाले याद कर लो कि वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं या प्लूरल लेते हैं, और फिर एग्जाम में गलत करो। तो आपको देखना पड़ेगा कि नाउन बीच में लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गॉड सेव्स अवर क्वीन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम कुछ, ठीक है, जैसे कहते नहीं कि भगवान बचाए, ठीक है, हमारी रानी को भगवान बचाए, ऐसी चीज़ों को हम लोग भगवान से रिलेट करके देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं। तो वहाँ पर कभी भी जो है हमेशा सिंगुलर नहीं लग सकता, प्लूरल ही लगता है, तो सेव्स कभी नहीं होगा, गॉड सेव अवर क्वीन होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर देख लेना, ये भी लगा होना चाहिए, वरना अगर नहीं लगा तो मे गॉड सेव अवर क्वीन होता है, ठीक है। अगर मे नहीं लगाते हो तो एक्सक्लेमेटरी लगा होना चाहिए। आगे बात करते हैं। मैनी अ बॉय हैव फेल्ड टू पास द एग्जाम। अब देखो, मैंने बताया था कि मैनी आ, मैनी एन, ऐसे कुछ सेंटेंसेस बताए थे जो हमेशा सिंगुलर लेते थे। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होगी तो आप तुरंत देख लोगे कि यहाँ पर मैनी आ, मैनी एन बताया था, और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्या इन्होंने कहीं कोई प्लूरल का यूज़ तो नहीं कर लिया। तो यहाँ पर देखो, हैव प्लूरल का यूज़ कर लिया, यहाँ पे हो जाएगा हैज़। तो मैनी अ बॉय हैज़ फेल टू पास द एग्ज़ाम, बशर्ते सेंटेंस का जो मीनिंग है वो प्लूरल ही आ रहा है, कि मैनी अ बॉय का मतलब, यहाँ पे एक बॉय की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैनी अ बॉय का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा हैज़ लेता है। आगे बात करते हैं। द फ्रेंच लुक्स गुड। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कभी भी, ठीक है, किसी लैंग्वेज के आगे दा लग जाता है तो वो वहाँ के लोगों की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा लोगों की जब बात करता है, पीपल की बात करता है, तो वो सिंगुलर कैसे हो सकता है। तो द फ्रेंच लुक गुड, यानी कि जो फ्रेंच के निवासी हैं वो दिखने में अच्छे हैं, वो अच्छा दिखते हैं, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं। यू फिर कॉमा माई फ्रेंड इज नॉट गिल्टी। अब देखो, तुम मेरे दोस्त गिल्टी नहीं हो। अब मैंने बताया था एक नाउन इन अपोजिशन टाइप का, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कभी भी यू और ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि बीच में कॉमा लगा होता है, बीच में उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन होता है, यहाँ पे माय फ्रेंड के बाद भी कॉमा लगा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी कोई एक्सप्लेन होता है कि यू बोला मैंने, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और दोनों कॉमा के बीच में,
ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें ये वाला जो केस होता है इस पर ध्यान नहीं देना होता, मेन रूप से हमारा सब्जेक्ट तो यू ही है ना, तो यू के साथ तक कभी इज लग सकता नहीं लग सकता, यानी कि सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आर। तो यू माई फ्रेंड आर नॉट गिल्टी, तो हम सेंटेंस को दो हिस्सों में बोलते हैं, यू तुम मेरे दोस्त गिल्टी नहीं हो। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे सेंटेंस देखेंगे दो कॉमास के बीच में। द फॉलोइंग आर द समरी ऑफ दिस बुक, मैंने बताया था फॉलोइंग को हमको सेंटेंस के दूसरे हिस्सों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर हम देखते हैं द फॉलोइंग तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो सिंगुलर प्लूरल क्या लगेगा, लेकिन हमें आगे देखना पड़ेगा कि द समरी ऑफ द बुक की बात हो रही है, तो समरी होती है सिंगुलर, इसलिए द फॉलोइंग के साथ में लग जाएगा यहाँ पर इज, तो ये आ हो जाएगा गलत। क्लियर होगी बात। आगे बात करते हैं, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस मैंने रिलेटिव प्रोनाउन वाले बताए थे, रिलेटिव जो है रिलेशन दिखाता था, सेंटेंस में दो हिस्से होते थे, तो वो मैं हूँ जिसने, जो जिम्मेदार है डैमेज का, ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है उसका जिम्मेदार है। अगर कहता हूँ इट इज़ आई हु, तो मैंने बताया था कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो हु के ठीक पहले जो लगे, यानी कि यहाँ पहले क्या लगा हुआ, आई लगा हुआ है, तो आई के साथ में क्या कभी इज़ लग सकता है, इज नहीं लग सकता, तो इज यहाँ पे गलत है। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, तो ये सारे रूल्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाई हिज को वर्कर्स लाइक द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। अब देखो कुछ वर्ड्स बताए थे, ठीक है, रिगार्ड डिस्क्राइब, तो उसमें मैंने बताया था उसके साथ में हमेशा एज जरूर यूज होता है, तो अगर डिस्क्राइब लगा हुआ है तो उसके साथ में लाइक कैसे बताया उन्होंने, उन्होंने वो कह रहा है ही वॉज डिस्क्राइब, यानी उसको डिस्क्राइब किया जाता है उसके कोलीग के द्वारा, कोवर्कर्स के द्वारा, कि वो सबसे ऑनेस्ट मैन है, तो अब देखो लाइक नहीं लगेगा यहाँ पे, एज लगेगा, क्योंकि डिस्क्राइब जैसे वर्ड्स के साथ में हमेशा एज लगता है, तो रिफर टू दैट रूल, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि डिस्क्राइब उस्क्राइब के साथ पे हमेशा एज लगता है, तो लाइक गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द मिल्क वर इम्प्योर, मोस्ट ऑफ द मिल्क बिल्कुल ही फॉलोइंग ऑफ की तरह ही है, ठीक है, पोर्शंस में जो मैंने बताया थे, कुछ पोर्शंस में अगर कभी भी आता था फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट ऑफ, तो आपको सेंटेंस के अगले हिस्से को देखना है। अगर मोस्ट ऑफ द मिल्क की बात कर रही है तो ये काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल होता तो सिंगुलर लेता है, तो वर तो हो ही नहीं सकता, तो मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज होगा, लेकिन रट नहीं लेना है कि मोस्ट ऑफ द के साथ में हमेशा वॉज लगता है या सिंगुलर लगता है। आगे देखेंगे मोस्ट ऑफ द पर्संस यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब ये पर्संस हो गया तो यहाँ पे इज नहीं लग सकता, इस बार आर होगा, तो हमें मोस्ट ऑफ के केसेस में जो भी इस तरीके का आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस का हिस्सा क्या है। अगर मोस्ट ऑफ द के साथ में अनकाउंटेबल लगा है, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते तो हमें सिंगुलर लेना है, इसलिए वर नहीं हो सकता, और पर्संस को हम गिन सकते हैं यानी काउंटेबल है, तो मोस्ट ऑफ के साथ में अगर काउंटेबल है तो वहां पे आएगा आर। आगे बढ़ते हैं, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे शीप्स, ठीक है, फिश, वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, कभी फिश को फिशेस नहीं कह सकते, शीप को शीप्स नहीं कह सकते, अगर आपको एक फिश की बात करनी तभी फिश कहेंगे, और एक से ज़्यादा फिश की बात करनी तभी भी हम फिश ही कहेंगे, फिशेस नहीं कहेंगे। अब मैनी शीप से तो पहले तो यही गलत हो गया, मैनी शीप्स नहीं होगा, मैनी शीप, ठीक है, मैनी शीप, और आर ये सही है क्योंकि शीप को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, तो हम यहाँ पर प्लूरल की तरह यूज़ कर रहे थे। आगे बात करते हैं, द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग वर गिवन ऑन रेंट, ठीक है, हाउस को सारे सामान के साथ में रेंट पर दे दिया गया था। अब फिर मैंने बताया था कि बीच में ऐसे होता है ना कि बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो दे दिया जाता है सेंटेंस के बीच में, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखते हैं सिर्फ द हाउस को, हाउस के साथ में क्या कभी वर लग सकता है, घर एक है तो यहाँ पर लग जाएगा वॉज, यानी कि द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग वॉज गिवन ऑन रेंट। आगे बढ़ते हैं, ही नीड्स नॉट गो देयर, अब देखो ही नीड्स नॉट गो देयर, मैंने बताया था कि नीड नॉट डेयर नॉट वाला सबसे पहला रूल था ये, कि ये कभी भी सिंगुलर नहीं ले सकते, कभी भी ही नीड्स नॉट नहीं कह सकते, ही डेयर्स नॉट नहीं कह सकते, अगर वो निगेटिव नहीं है तो नॉर्मली हम कह सकते हैं ही डेयर्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, लेकिन नीड नॉट अगर है तो उसके साथ में कभी एस नहीं लगता, ये हमेशा ही नीड नॉट लगेगा, भले हमारा सिंगुलर ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, ही क्यों ना हो, उसके साथ में शी क्यों ना हो, ठीक है, तो दे के साथ में तो वैसे भी नीड नॉट लगेगा, नीड्स नहीं लग सकता, तो ये हमें याद रखना है। तो सिर्फ नीड्स नॉट के लिए बता रहा हूँ, नीड के लिए नहीं बता रहा हूँ, नीड हो सकता है नीड्स, लेकिन अगर नॉट लग गया तब निगेटिव में नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, नाइदर आइदर, जैसे सेंटेंस को हमने देखा कि भैया नाइदर नाइदर है, नाइदर आइदर की बात हो रही है, तो सेंटेंस में क्या प्लूरल ही यही एक इधर दे सकते हैं, और नाइदर से सेंटेंस की शुरुआत हुई, नाइदर नॉर से, तो हमने देखो हमने बताया था कि नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर और नॉट ऑनली बट आल्सो, तो इसमें और के बाद, ठीक है, आइदर और में और के बाद
नाइदर नॉर में नॉर के बाद, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन चीज़ें बताई थी, उसमें बट ऑल्सो के बाद में जो होता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाइदर द प्रिंसिपल, तो हमको देखने में तो ये मेन सब्जेक्ट लग रहा, पर ये नहीं, दो दो सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे नॉर के बाद में जो लगा हुआ है ये द टीचर्स, उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो वीडियो देखें, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो नॉर के बाद वाला हमारा मेन सब्जेक्ट कहलाएगा, तो यानी कि द टीचर्स पर बेस होकर हमें लेना है, और जो कि हैव लगा हुआ है क्योंकि द टीचर्स हमारा प्लूरल है, यानी कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्यूरी वर एनोनिमस इन इट्स डिसीजन, बहुत सिंपल सा, अगर ज्यूरी की बात कर रहे हो तो भैया डिसीजन एक सब लोग सर्वसम्मति से ले रहे हैं, ठीक है, तो वॉज होगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं, नाइदर ऑफ द गर्ल्स आर हेयर, तो इसमें ये देखो, इसमें दोनों में डिफरेंस है, ये नाइदर ऑफ द गर्ल्स और ये नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर, दोनों में फ़र्क है, ना ही प्रिंसिपल ना ही टीचर पिकनिक में गए स्टूडेंट्स के साथ में, और इसमें क्या है, दोनों में से कोई भी लड़की, ठीक है, यहाँ नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में आइदर नाइदर का शुरू होता है, तो नॉर वाला ये नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम नाइदर आइदर ऐसे सेंटेंस जब भी शुरू होते हैं तो हमेशा सिंगुलर लेते हैं, यानी कभी भी आर नहीं हो सकता, हमेशा होगा इज, आइदर नाइदर के साथ में हमेशा क्या होता है, इज होता है। फटाफट देखते हैं कुछ और छोटे छोटे। बिलियर्ड्स इज अ ग्रेट गेम, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ बताया था कि वर्ब जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो देखने में लगते हैं कि प्लूरल हैं पर होते नहीं, जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स, तो रटने की जरूरत नहीं कि एस ई एस लगे तो प्लूरल ही होता है। तो ये एक ही गेम है बिलियर्ड्स, उसका नाम ही बिलियर्ड्स है। नथिंग बट बर्ड्स आर सीड, नथिंग बट वाला स्ट्रक्चर बताया था कि कभी भी नथिंग बट से शुरू होता है तो फिर हमको सिंगुलर लेना होता है, तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, नथिंग बट बर्ड्स इज सीन होगा। नथिंग बट वाला हमेशा सिंगुलर लेगा, और नन बट से अगर शुरू होता है तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले सकता है। तो ये भी मैंने रूल ने बता रखा है, आप उसको देख लो। ही और आई इज टू गो देयर, अब देखो ही और आई, मैंने बताया था और, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चार चीज़ें एक ही रूल में थी। तो यहाँ पे देखो आइदर ना और नाइदर नॉर वाला तो नहीं है, लेकिन और वाला है। तो जब भी कोई दो सब्जेक्ट और से अलग होते हैं तो और के बाद में जो लगता है उस पर हम डिपेंड करते हैं आगे हमारा वर्ब क्या होगा। तो आई के लिए वर्ब क्या होगा हमारा, आई के लिए वर्ब हमारा एम होगा, तो ही और आई एम टू गो देयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ नॉट द रिचेस्ट मैन, अब सेंटेंस देखने में अटपटांग लगता है पर ये सही सेंटेंस है, वो अमीर आदमियों में से एक है अगर सबसे अमीर नहीं है, ठीक है। तो अगर अमीर आदमियों में से एक है तो यानी कि यहाँ पर रिचेस्ट मैन होगा, तो पहला वाला जो होगा ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, क्योंकि जब भी वन ऑफ द सेंटेंस करके कभी भी ऐसा आए तो इसमें क्या करना होता है आपको, ये वाला हिस्सा हमेशा प्लूरल में रखना होता है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ना कि मैन, ठीक है ना। तो ये हमको लगता है क्लियर हो गया। वन ऑफ द के रूल्स अभी आगे आएंगे जब हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। आखिरी के दो सेंटेंसेस हैं, डे आफ्टर डे, तो ये बता ही चुका हूँ कि कभी भी मंथ आफ्टर मंथ, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक ऐसा सेंटेंस आता है तो हमेशा सिंगुलर लेता है, और यहाँ पे हैज़ लगा भी रखा है, सिंगुलर दे रखा है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। आगे बात करते हैं, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, तो एवरी के लिए मैंने सेंटेंस बताया था कि हमेशा सिंगुलर लगता है, तो सिंगुलर तो लगा है पर डॉग के साथ में हिज नहीं लग सकता है, क्योंकि डॉग एक जानवर है, नॉन लिविंग थिंग्स, और जानवर और छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों, इन सब के लिए इट्स का यूज होता है। तो डॉग के साथ में भी यहां पर हिज नहीं लग सकता, इट्स का यूज होगा। तो ये थे तीन, 30 थे ये पूरे, और बहुत ही अच्छे अच्छे जो भी मैंने रूल्स बता रखे थे उसके अकॉर्डिंग ये मैंने लिए था, कुछ प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूडेड थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये हमारा पार्ट ऑफ ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पूरा पार्ट है, पांच वीडियोस में खत्म हो गया। अगर आप पांचों वीडियो देख करके जाते हो तो कभी इससे गलती नहीं होगी, बस एक एक चीज़ जो मैंने बताई उसको ध्यान देना है। और जो भी बुक आपके पास इंग्लिश की है, एरर वाली है, ठीक है, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, तो आप उससे प्रैक्टिस करते रहो, और इसी रूल्स से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम इंग्लिश के जो और सीरीज़ आएगी अलग अलग चैप्टर्स की, वो आपकी नोटिफिकेशन वहाँ तक आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।